करोड़ों डॉलर्स में फरोख्त होने वाला सेहत का राज। डॉक्टर बर्मन बोरहेयो हॉलैंड के एक नामवर डॉक्टर, क्वालिफाइड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, माहिर नबातात और माहिर फितरत शनास। मशहूर था कि डॉक्टर बर्मन के हर मरीज को शिफा मिलती है। बड़े बड़े रईस और नवाब लाइन में लग कर उनसे दवा लेते और पूरा यूरोप उन्हें बाबा तिब के नाम से पुकारता था। 1730 में यह तजर्बेकार डॉक्टर फौत हो गया। डॉक्टर के सामान में एक किताब मिली, रेशमी गलाफ में लिपटी हुई किताब की जिल्द पर लिखा था, इस किताब में एक कीमती नुस्खा लिख दिया है। यह नुस्खा मेरी उम्र भर के तजर्बे का निचोड़ है। इस नुस्खे पर अमल करने वाला कभी बीमार नहीं होगा। इस किताब को बेचकर आमदनी मेडिकल रिसर्च पर खर्च कर दी जाए। चुनांचे इस हैरतअंगेज किताब की नीलामी का ऐलान कर दिया गया। पूरे यूरोप में इस नीलामी का शोर मच गया। हर कोई ये किताब खरीदना चाहता था क्योंकि लोगों को यकीन था कि डॉक्टर बर्मन का नुस्खा हर बीमारी से महफूज रखेगा। आखिरकार नीलामी हो गई। एक बीमार नवाब ने करोड़ों डॉलर्स में ये किताब खरीद ली। उसने किताब का पहला सफा देखा तो वो खाली था। फिर वो सफे पर सफा पलटता गया और उसकी परेशानी बढ़ती गई क्योंकि किताब में एक लफ्ज भी नहीं लिखा था। 100 सफे की किताब में 99 सफे खाली थे, मगर आखिरी सफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, करोड़ों डॉलर में सिर्फ एक जुमला। वही जुमला डॉक्टर का कीमती नुस्खा था। किताब में लिखा था, सर ठंडा और पांव गर्म रखो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार रईस डॉक्टर का नुस्खा पढ़कर अश अश कर उठा। उसने रोजाना कई कई मील पैदल चलना शुरू किया और अपनी सारी परेशानियों को झटक कर खुश रहने लगा। वो रईस जब तक जिंदा रहा यही कहता रहा कि किताब सस्ती खरीद ली। कारहीन और नाजरीन याद रखें, गुस्सा नफरत और टेंशन सर को गर्म रखते हैं, प्यार मोहब्बत और खुशी के जरिए अपना सर ठंडा रखें। मुसलसल बैठकर काम करने से और गाड़ियों में सफर करने से जिस्म कमजोर और लागर यानी ठंडा हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें। लाइफस्टाइल में मेहनत मशक्कत और वर्जिश को शामिल करके अपने जिस्म को गर्म रखें। यकीन जानिए आप कभी बीमार नहीं होंगे।